नमस्कार। कहते हैं हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जो नगरीय सभ्यता का जो बेस था वो था एग्रीकल्चर। इसी एग्रीकल्चर को हम यहाँ से प्राप्त एविडेंस, सीड्स, बॉन्स और अन्य टूल्स के बेसिस पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर और विस्तार से समझते हैं। आइए चलते हैं हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह के तरीके को समझने का प्रयास करते हैं, जिसके अंतर्गत सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी को समझते हैं। इसी के अंतर्गत देखने को मिलेगा कि न केवल हड़प्पा से पहले जितनी भी संस्कृतियां रही है उनमें और हड़प्पा में समानता देखने को मिलती है। इस समानता का जो बेस हमें देखने को मिलता है उसके अंतर्गत दो हड़प्पाई वासियों व इनसे पहले जो संस्कृति रही उनके द्वारा यूज किए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स और फिश से हमें ये बातें क्लियर होती है। साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि जब हम हड़प्पा में चलकर देखते हैं तो यहां पर प्राप्त जितने भी ग्रेन्स थे, जले हुए अनाज थे, इनसे इतिहास को बुनने मीन्स एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ने का प्रयास करता है और उन्हीं सभी चीजों को आर्कियोबोटनिस्ट वेरीफाई करता है जो चीजें वहां से प्राप्त होती है। कहते हैं कि ये जो जितने भी प्लांट्स मिले कि ये बहुत प्राचीन है, इस बात को वेरीफाई करता है। अब साथ ही देख लेते हैं कि यहाँ की एग्रीकल्चर इतनी अच्छी क्यों थी, ये पहला क्वेश्चन लगाकर देख लेते हैं। अभी तो जीवन निर्वाह की बातें की थी, ठीक है, वो चीजें मिली, लेकिन यहां पर इतनी अच्छी एग्रीकल्चर क्यों थी उसको भी समझ लेते हैं। यहां पर जब हम चलकर देखते हैं तो बच्चों आपको यहां पर दिखाई देगा कि ये पूरी की पूरी जो सभ्यता है इंडस रिवर के किनारे अवस्थित थी। इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे जो आपको यहां से दिखाई देगा, ये यहां पर नदियों का जाल बिछा हुआ था। अब नदियों का जाल बिछा हुआ है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि सिंधु नदी जिसे इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा लाई हुई सॉयल मीन्स मृदा बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती थी, जिससे यहां पर जो कृषि का उत्पादन था न केवल भरपूर था बल्कि सरप्लस भी था। यहां पर इनकी जरूरत पूरी होने के बाद इस उत्पादन को मार्केट में बेच दिया जाता था या एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, जो इस पूरी की पूरी सभ्यता के लिए न केवल उसने नगरीय विस्तार को मजबूती प्रदान की, साथ ही साथ इस सभ्यता को आर्थिक रूप से मजबूती भी दी। तो ये वाली चीजें यहां की नदियों की उपयोगिता भी यहां से समझ में आती है। इसने न केवल आर्थिक विस्तार को दिया बल्कि नगरीय विस्तार भी दिया, क्योंकि यहां पर जो नदियां फैली हुई थी उस वजह से टाउनशिप भी हमें अलग अलग स्थानों पर और बहुत उत्कृष्ट दिखाई देती है। अब इसी के अंतर्गत जब चलकर देखते हैं तो हमें न केवल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल और अन्य जैसे रंगपुर जैसे स्थानों पर हमें बहुत ही वाइड रेंज अनाजों की मिलती है, जिसमें अगर हम जहां एन श्रीमाली की बुक देखें या अन्य बुक देखें उनमें नौ प्रकार के ग्रेन्स की बात की गई है, नौ प्रकार के अनाज इतिहासकारों को अभी प्राप्त हुए हैं, जिसके अंतर्गत चलकर देखते हैं चाहे वीट हो, बार्ले हो, मिलेट्स जो बाजरा स्पेशली इसके बारे में सबसे ज्यादा पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिए ये सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो बाजरा हमें रंगपुर से प्राप्त होता है, रंगपुर और लोथल स्थान से। सो आईएस में भी पूछा है, आरएस में भी पूछा है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से देख लिए आप न केवल आपके सीबीएसई के लिए बल्कि आईएएस से लेकर प्रत्येक कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है प्रत्येक पॉइंट। सो इसके बाद लेंटाइल्स जैसे जो दलहन होती है मसूर वगैरह की दालें वो भी यहां पर प्राप्त होती है, राइस धान की भूसी भी हमें लोथल और रंगपुर से प्राप्त होती है, लोथल और रंगपुर से ये दोनों चीजें भी मिल रही है, और यहां पर जो चने की दाल वगैरह ये सारी चीजें हमें यहां पर दिखाई देती है या मिलती है वाइड रेंज। हमें कालीबंगा जो स्थल है राजस्थान में है वहां पर भी जले हुए ग्रेन्स मिले हैं,
तो ये वाली चीजें हमें यहां पर बहुत अच्छी तरह से प्राप्त होती है। सो ये भी देख लीजिए, मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम साइट ऑफ गुजरात, ये सारी चीजें भी यहां से मिलती हुई प्रतीत होती है। ये चीजें आप देख चुके हैं क्योंकि यहां पर भी हमने आपको समझा दिया है, इस वजह से आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये वाली बात अभी तक तो हमने आपसे बात की कि हड़प्पा व अन्य साइट से जो हमें ग्रेन प्राप्त हुए वो ये थे। अब इसके बाद चलकर देखते हैं, अभी तक तो हमने जीवन निर्वाह के लिए प्लांट्स की बात की थी, लेकिन अब प्लांट्स के साथ हमने एनिमल्स भी तो बोला था, तो उसको भी चलकर देखते हैं कौन कौन से एनिमल्स यहां पर देखने को मिलते हैं। एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स, कहते हैं यहां पर हमें न केवल प्लांट्स बल्कि एनिमल्स के बोन्स भी प्राप्त हुए, जिसमें आप देख सकते हैं कैटल्स, जो सीप हो, गोट हो, बफेलो हो और पिग हो। सो ये सारी चीजें हमें यहां पर मिलती है, जिसे कौन वेरीफाई करता है? आर्कियोलॉजिस्ट, और जिसे जो आर्कियोलॉजिस्ट इंडिकेट दैट दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। यहां पर इनका कहने का मत है, इन महोदय का, कि जितने भी जानवर थे वो सब घरेलू जानवर थे जिन्हें हड़प्पा वासी पालते भी थे, अपने आजीविका निर्वहन में भी और खाने पीने में भी यूज करते, जो वर्तमान में भी इससे कोरिलेट करके आप देख सकते हो, चाहे बफेलो को दूध निकालने में या फिर इन सभी जानवरों को देख लीजिए, चाहे यहां पर बेल वगैरह वो सब की भी हमें अनेक मरण मूर्तियां मिलती है, हल्का भी मिलेगा तो वो सब डिस्कस करने वाले हैं। सो ये वाली बात आपकी यहां पर क्लियर होती है कि यहां पर प्लांट के साथ साथ एनिमल्स को भी यूज किया जाता था। अब यहां पर चलते हैं कि ये चीजें तो कॉमन चीजें हैं कि इनको यूज किया जाता था, लेकिन इनके अलावा और भी चीजें प्राप्त हुई। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज, यहां पर हमें जंगली जो प्रजातियां हैं उनकी जो बोन्स भी प्राप्त हुई है, जिसमें यहां पर देखिए आप देखने को मिलेगा बॉर हो, डियर हो, घड़ियाल हो, जैसे ये घड़ियाल दिखाई दे रहा है आपको, हाँ जैसे डियर हो, हाँ तो ये सारी चीजें भी आपको यहां पर दिखाई देंगी, जिसमें फिश हो, तो ये सारी चीजें जब चलकर देखेंगे, वी डोंट नो whether the Harappan hunted these animals themselves or obtained meats from other hunting communities। कहते हैं कि जो हड़प्पा वासी है या शिकार करते थे या कोई और जो हंटिंग कम्युनिटी से इन सबको प्राप्त करते थे, इस बारे में थोड़ा हमें एविडेंस के अभाव होने के कारण इस चीज को हम क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, वाइल्ड स्पीसीज मींस जंगली जो जीव जंतु हैं, इस वजह से। लेकिन इससे पहले जब देखा तो ये सब क्या क्या बता रहे हैं जूलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, कि ये सारे डोमेस्टिकेटेड मींस घरेलू हैं, जबकि यहां पर बात कर रहा है क्या, वाइल्ड स्पीसीज। तो इस वजह से हो सकता है बोन्स कैसे भी आई हो, क्योंकि इनका भी अभी भी जो जीवन है वो अभी भी मतलब कैसा है, इनकी बहुत सारी सभ्यताएं हैं जो प्राक हड़प्पा कालीन है और उससे पहले की, तो उनमें कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती है, तो जीव जंतुओं प्लांट्स के साथ जीव जंतुओं से भी अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो साथ ही बोन्स में आप देखेंगे फिश और फॉल्स मीन्स पशु होते पक्षी वगैरह, उनकी भी हमें बोन्स यहां पर मिलती है। तो अभी तक तो हमने देखा कि प्लांट से एग्रीकल्चर हो रही है, डोमेस्टिक एनिमल्स भी देखे और साथ में वाइल्ड स्पीसीज भी हमको देखने को मिली। लेकिन इसी के अंतर्गत जब चलकर देखते हैं कि एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर का तरीका क्या है, अगर हम स्टार्टिंग में जब चलकर देखते हैं तो वहां स्टार्टिंग जो 10,000 BCE के आसपास एग्रीकल्चर पहली बार स्टार्ट होता है। हाँ यहां पर अच्छे से देख लीजिए, 10,000 BCE के आसपास पहली बार कृषि के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, मनुष्य स्थायी रूप से रहने लगता है, लेकिन अब उसमें सस्टेन करने लग गया है और अब अच्छी तरह से खेती करने लग जाता है। इसी के अंतर्गत जब चलकर देखते हैं तो सील और टेराकोटा से जो स्कल्पचर इंडिकेट करते हैं कि ये कृषि इनकी बहुत उन्नत हो गई थी, जिसके प्रमाण हमें मरण मूर्तियां हो, सील पर जो एविडेंस वृषभ के हो, हमें
जो बनावली, यहां पर देखिए बनावली और चोलिस्तान से ये आईएसआरएस हर जगह पूछा है, बच्चों अच्छे से ध्यान देखना, जो हर के प्रमाण जी वाला जो हर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं इनसे यहां की एग्रीकल्चर का पता चलता है कि कितनी अच्छी या उत्कृष्ट अवस्था में हो चली थी। सो ये वाली बात भी हमें साथ में चलती है। तो इस वजह से अभी हमको समझ में आता है कि यहां पर एग्रीकल्चर और बेटर होने लग गया था। साथ ही साथ यहां जब एविडेंस हम उठाकर देखते हैं तो यहां पर आपको ये देखिए राजस्थान के जो कालीबंगन स्थित जो क्षेत्र है वहां पर हरपन साइट है, वहां से हमें जुटे हुए खेत एक साथ ये जुटे हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं जो सबसे ज्यादा आईएएस आरएएस जैसी कितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, किस समय के थे, प्राक प्री हड़प्पन पीरियड के थे, ये वाला कि कौन से पीरियड के जुटे हुए एविडेंस मिले हैं, जुटे हुए खेत के निशान थे ये प्री हड़प्पन पीरियड के। ओके, साइट कौन सी है, कालीबंगन, कहां पर है, राजस्थान में। तो ये भी चीजें आप देख लीजिए। तो इससे समझ में आता है कि जो हड़प्पन पीपल थे, लोग थे, वो एक साथ दो फसल बोने की बातें भी यहां पर निकल कर आती है। शायद हो सकता है जो चने के साथ सरसों बोने जैसा भी हम यहां पर समझ सकते हैं, जिसे आप मैप पर भी देख लीजिए। यहां पर देखिए ये कालीबंगा, ये वाला ये राजस्थान के ये वाला हनुमानगढ़ और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, ये मोस्टली हनुमानगढ़ में ही देखने को मिलेगा। तो ये वाला यहां पर इस जगह पर ये मैप में आपको दिखाई देगा जहां से हमें प्री हड़प्पन पीरियड के जुटे हुए खेत के एविडेंस प्राप्त होते हैं, जिसे एक साथ दो फसल बोने के प्रमाण भी हमें यहां पर मिलते हैं। अभी तक हमने सारी बात कर ली, एग्रीकल्चर की भी बात कर ली। अब ये बताइए मानसिंह जी, वो बोते तो ठीक हल आ गया, स्टार्टिंग में कुदाल भी यूज करते हैं, इस पर डीडी कोसाम्बी जैसे विद्वान भी अपने विचार रखते हैं कि भाई साहब हल उतना नहीं रहा होगा कि रहा होगा, लेकिन जो भी रहा होगा स्टार्टिंग का उतना बेटर तो नहीं था, फिर भी अच्छा था क्योंकि अभी भी हम कॉपर को यूज कर रहे हैं, अभी आयरन नहीं आया है, 600 BC में पहली बार आयरन आता है। ओके, जैसे हम महाजनपदा पीरियड में आएगा, अभी भी हम कॉपर के साथ टिन मिलाकर ब्रोंज बना रहे हैं, तो उनके जो टूल्स ये जितने भी, चाहे हमें यहां पर ये जो जितने भी काटने के हों या फिर कुदाल टाइप के हों, इन सब पे जो हत्ता लगा हुआ है लकड़ी का, तो हमें इतिहास का अब चलते दिख लेते हैं एक बार। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो ट्राइड टू आइडेंटिफाई टूल्स यूज फॉर हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई में जो भी टूल्स यूज होते हैं यहां पर देख लीजिए, इनमें आज भी वर्तमान समय में जो हम जो याद करो क्या गांव में जो अनाज पीसने के ऐसे ग्रेन्स यूज करते हैं जैसे ओखली जिसे बोलते हैं वो भी, और ऐसे सिलबट्टा वगैरह, वो उस समय ग्रेन पीसने के ये तरीके भी यूज होते थे, यही वो यूज होते थे। आज की तरह चक्की तो है नहीं, बटन दबाया हो गया। तो ये सारी चीजें हमें यहां से मिलती है, जिन पर डिड द हड़प्पन यूज स्टोन ब्लेड्स सेट इन द वुडन हैंडल्स और डिड दे यूज मेटल टूल्स, कहते हैं ये ब्रॉन्ज के बने हुए जो मेटल टूल होते थे जिन पर लकड़ी का हत्ता लगा हुआ होता था। तो ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिलती है, जहां पर नगरीय करण बहुत अच्छा था या नदियों के किनारे था वहां पर सिंचाई की प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन जहां पर सेमी एरिड एरिया होते थे वहां पर थोड़ा पंगा रहता था, मतलब प्रॉब्लम रहती थी। कैसी प्रॉब्लम रहती थी मानसिंह जी, इरिगेशन को लेकर, राजस्थान में हमेशा ही रहेगी, अभी भी देख सकते हैं। तो चलकर देखते हैं ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स, ये बहुत अच्छे से देखिएगा, मैंने खुद दिया तो उसमें भी था, इसमें आरएस में भी पूछा और नेट के अंदर भी पूछा, तो हमें हड़प्पा के कौन से स्थल से कैनल्स के एविडेंस मिलते हैं, कैनल्स हड़प्पा में सिंचाई के साधन अगर देखें तो यहां पर ये रिवर भी दिखाई देगी, पॉन्ड टाइप का भी दिखाई देगा और ये वेल भी दिखाई देंगे। तो ये सारी चीजें यहां पर और कैनल,
और कैनल भी आपको दिखाई देगी। तो इन सभी से यहां इरिगेशन किया जाता था। तो इसमें अब ये क्वेश्चन देख लीजिए कि वह कौन सा स्थल था जहां से हमें नहरों के प्रमाण मिले हैं। सो यहां पर ये सोर्तुगई है, अफगानिस्तान का सोर्तुगई जो साइट है वहां से हमें कैनल के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद भी अगर हम बात करें पंजाब और सिंध, ये वाला पंजाब और बाकी जो सिंध वाला बेल्ट है यहां से भी हमें कैनल्स के एविडेंस मिलते हैं, लेकिन हो सकता है उसके बाद में जो गाद वगैरह से या मिट्टी से भर गई होगी, इस वजह से इतिहासकारों को वो एविडेंस उतने अच्छे से नहीं मिल पाते हैं। लेकिन सोर्तुगई से हमें बहुत अच्छी तरह से कैनल्स के एविडेंस मिलते हैं। सो ये वाली बात भी हमें आगे चलकर देखने को मिलती है। अगर हम बात करें वेल्स वेल की, तो आप देख रहे हो हड़प्पा में 700 कुएं दिखाई देते हैं। साथ इसके अलावा देखिए वाटर रिजर्वर्स धोलावीरा के अंदर, तो इन सभी चीजों से हमें लगता है कि जहां नदियों के किनारे था वहां तो बहुत अच्छी से एग्रीकल्चर हो रही थी, और जहां दूर था तो इन सभी चीजों के द्वारा यहां पर क्या किया जा रहा था, इन सभी चीजों के द्वारा इरिगेशन किया जा रहा था। कहां पर? हड़प्पा स्थल पर। सो ये सारी बातें यहां पर आपकी क्लियर होती है। आई होप आपको बेस्ट लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज बच्चों के बीच शेयर कीजिएगा जो नीडी है। सो चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।